नमस्कार। सो ये एक ना कॉन्सेप्ट है जो जो भी मुझसे बात करते हैं मैं उसको बहुत बोलता हूँ, लेकिन आई थिंक ये एक 5-7 मिनट का वीडियो है जो आप सबको सुनना चाहिए कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहे MBBS हो चाहे BDS हो, कैसे फ़र्क पड़ता है उसी क्वालिटी पे वो ना चाहते हुए भी अगर उसका अस्पताल नहीं चल रहा। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दो तरह के कॉलेज है, एक जिनका अस्पताल सेल्फ सस्टेनिंग है बहुत अच्छा चलता है, और एक जिनका अस्पताल नाम का है क्योंकि उन्हें कॉलेज चलाना है और इंडिया में रूल है कि कॉलेज के लिए आपके पास अस्पताल होना चाहिए। अपना अस्पताल को हल्के में लेते हैं क्योंकि आपको उसके रेवेन्यू फिगर्स नहीं पता। मान के चीज़ें बहुत महंगा प्राइवेट कॉलेज है जिसके पास 150 सीटें हैं, 4.5 साल पढ़ाता है, PG भी है उसके पास, पर टोटल 1000 बच्चे हैं और वो साल में हर बच्चे से 15 लाख रुपये फीस ले रहा है। 15 लाख इंटू 1000 इस 150 करोड़ रुपये का एनुअल रेवेन्यू, आपको लगता होगा कि तो बहुत होता है 150 करोड़, लेकिन एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज विद हॉस्पिटल 150 करोड़ इज़ नथिंग। तो जो आपको पढ़ाने के लिए जो टीचर्स हैं ना, जो फैकल्टीज़ हैं, जो खुद MBBS MD हैं, उनका एक एक इंसान का पैकेज 50 लाख होता है। तो 150 करोड़ में तो ऐसे ऐसे 300 लोग ही आएंगे, मतलब सब खैर ऐसे नहीं होते, क्योंकि आप सब कुछ फ्री में दे रहे हो, या बेस OT छोटी सारा OPD पूरा, इतना बड़ा बिल्डिंग, इतना सपोर्ट स्टाफ, 150 करोड़ इज़ नथिंग एनुअल कलेक्शन। वो भी जब 15 लाख फीस है, जो UP कॉलेज में तो 12 लाख है या हरियाणा में 12 लाख है, तो फिर कर्नाटक के कॉलेज कैसे पढ़ा लेते हैं 10 लाख में, क्योंकि जो उनके हॉस्पिटल्स हैं ना वो चलते हॉस्पिटल। आपको एक दूसरी कैलकुलेशन देता हूँ, एक छोटा ही हॉस्पिटल है 1000 बेड भी नहीं, 500 बेड पकड़ते हैं, मतलब एवरेज ऑक्यूपेंसी हम राउंड फिगर रहे तो 600 बेड है, 80% है। एक गैस मारो कि एक बेड में एक दिन में एक हॉस्पिटल कितना रेवेन्यू कमा लेता होगा, 2-3 हज़ार का रूम रेंट, दवाइयाँ, डॉक्टर विजिट, फलाना ढिमकाना, हम एक रफ फिगर पकड़ते हैं 5000 रुपये। ये सिर्फ बेसिक फिगर है, आप फिगर सुन के हिल जाएंगे। 5000 इंटू 500 बेड राइट, कितना बना 25 लाख रुपया दिन का। महीने का कितना बना, 5000 इंटू 500, 25 लाख बना, महीने का 30 दिन होते हैं, बना 7.5 करोड़, मतलब 10 करोड़ पकड़ लेते हैं, और साल का बना 120 करोड़। जितनी फीस थी उतना, ये हो गया जो बेसिक है। अब जो चलते अस्पताल है लाइक मणिपाल के, वो जो MGM की ऐड आई थी ना, जो लीवर प्लांट ऑपरेशन, ट्रांसप्लांट ऑपरेशंस कर रहे हैं, जो बाईपास सर्जरीज कर रहे हैं, उनका इमेजिन कीजिए एवरेज रेवेन्यू क्या होगा दिन में, वो कितने ऑपरेशंस ऐसे कर रहे हैं। सुनने में आया कि अमृता फरीदाबाद में 50 तो OT बनाए गए हैं। एक OT में एक दिन में कितना पैसा घूमेगा, कितनी रेवेन्यू आएगा, गैस कीजिए। एक टिपिकल अमृता फरीदाबाद जैसा अस्पताल का ना साल का रेवेन्यू 1000 करोड़ से भी कहीं ऊपर होता है। तो आपसे फीस कलेक्शन करके जो उन्होंने 100-150 करोड़ रुपये कमाए हैं, वो बहुत छोटा पार्ट है, क्योंकि अस्पताल से आ रहा है 1000 करोड़। अब इमेजिन कीजिए वो कॉलेज और अस्पताल जिसमें वो 1000 करोड़ नहीं आ रहा, 1000 छोड़ो 50 ही आ रहा है, तो 150 फीस से कमाए, 50 मरीज से कमाए, टोटल कमाए 200 करोड़ में जितना उसको खर्चा करना है ना वो नहीं कर पाता। जो कॉलेज बनाने का खर्चा हो गया, जो उसकी इंटरेस्ट का पेमेंट जानी है, जो स्टाफ, फैकल्टीज, प्रोफेसर्स को पैसे देने हैं, जो लैब इक्विपमेंट्स, मशीन्स खरीदनी है, और जब वो नहीं कर पाता है तो कहते हैं इंग्लिश में यू कट कॉर्नर्स, नुकसान किसका होता है, स्टूडेंट का। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना चाहिए कि जो कॉलेज का अस्पताल है ना वो कितना चल रहा है, एक तो पेशेंट फ्लो की वजह से, लेकिन लेट्स से कहीं पेशेंट फ्लो भी अच्छा है क्योंकि वो बसें भेज भेज के पेशेंट को लाया जा रहा है, पैसे दे दे के पेशेंट को लाया जा रहा है, इंसेंटिव दे के लाया जा रहा है कि चलो फ्री में चाय समोसा मिलेगा, पर मैनेजमेंट को तो पैसा नहीं आ रहा ना राइट। मैंने कहा ना कि राजस्थान में चिरंजीवी योजना के चक्कर में पेशेंट आ जाते हैं, फिर सरकार से पैसे ले लेते हैं, बट कुछ अस्पताल कॉलेज ऐसे हैं प्राइवेट के जिनके पास आयुष्मान योजना के पेशेंट भी नहीं आते, सोचो, क्योंकि उनकी लोकेशन इतनी ख़राब है और उनके पास कुछ है ही नहीं। भाई मरीज़ तो कह रहे हैं कि मेरे पास इंश्योरेंस है ही, चाहे प्राइवेट इंश्योरेंस है, चाहे आयुष्मान भारत है, चाहे चिरंजीवी योजना है, चाहे कुछ और है, तो फिर मैं तो अच्छे अस्पताल में जाऊँगा ना, मैं उस अस्पताल में क्यों जाऊँ जहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़, कुछ इक्विपमेंट है ही नहीं। तो ये सब एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले हो जाता है MBBS के कॉलेज की सक्सेस में, कि आपका अस्पताल कितना सेल्फ सस्टेनिंग है, वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाता है। पेशेंट फ्लो एक चीज़ हो गई और रेवेन्यू जनरेशन दूसरी चीज़ हो गई। ये सब भी कंसिडर कीजिए जब आप अपना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चूज़ करते हैं, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो। और एक लाइन फिर से इस वीडियो में बोलूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता कि डीम्ड हमेशा स्टेट प्राइवेट से अच्छी होंगी, बस डीम्ड की काउंसलिंग पहले होती है तो उन्हीं कट ऑफ ऊपर चली जाती है। हमसे संपर्क करना चाहें
हमारे प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहें 9643362320 पे कॉल कीजिए। फर्स्ट फीस भी हमारी फ्री नहीं होती है। फ़ोन काउंसलिंग के 2500, फेस टू फेस के 5000, एंड लुकिंग एट योर मार्क्स, लुकिंग एट योर एक्सपेक्टेशंस, देन टुगेदर म्यूचुअली वी डिसाइड, वी फाइनलाइज द फाइनल कॉस्टिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, बाय बाय।